चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी भी अच्छे हैं। और हम सब उठ के अपना रेडी वेडी हो चुके हैं, शॉप पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ मैं। और आज का मौसम आपको बताऊँ तो आज भी बादल हैं, हल्के हल्के, धूप नहीं निकली हुई है बिल्कुल भी। अभी दिखा देता हूँ आपको बाहर का मौसम, ये देखिए दोस्तों, है धूप भी निकली हुई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि धूप नहीं निकली हुई है, बट उधर से हमारे सूर्य देवता उग रहे हैं बट दिख नहीं रहे हैं, बादलों के पीछे छिपे हुए हैं। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर हमारे प्लांट्स, और ये कबूतर भी बैठा है यहाँ पे, ये देखिए आराम से बैठा है। इसे पता है इसके बारे में बात हो रही है लेकिन फिर भी नहीं उड़ रहा है, तो अच्छा कबूतर है ना ये कबूतर। जा जा जा। अरे मनी प्लांट तो वहीं का वहीं रुक गया जहाँ था ये। और बाकी सब दिखाता हूँ क्या और बाकी सब दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। पापा जी भी इधर रेडी हो चुके हैं, और इधर माँ जी खा रही हैं रोटी। रोटी में क्या खाया माँ आज? करेला। करेला बड़े दिन से चल रहा, अच्छा। भिंडी नहीं अच्छी लगती? क्या बात है, मम्मी कह रही है परसों बनाया था। मम्मी जी का प्लास्टर भी उतर चुका है, आपने देख लिया होगा। मम्मी का हाथ थोड़ा भी सूजा हुआ है धीरे, और दर्द ज्यादा हो रहा भाई। हाँ वो उतर गया ना, पहले उसकी आदत थी, धीरे धीरे उतर जाएगा इसकी, वो सूजन उतर जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा का ऐसा ही था ना हाथ, एक महीना तो मम्मी आपको प्लास्टर हुए हो गया, तो एक महीने में कैसे, एक महीना तो हो चुका है एक तरीके से आपको, एक क्यों डेढ़ हो चुका है ना। आराम से, ज़्यादा मत हिला से हिलाओ डिलाओ, हो जाएगा धीरे धीरे। जब उसका हल्का फुल्का ऐसा ही, मतलब कोई भारी चीज़ नहीं करनी जिससे इस पर जोर पड़े, बस एक ऐसे ही चलाओ आराम से ताकि इसमें मूवमेंट हो। और ना धो लिया आप? अच्छा नहीं। और हमारी ब्राउनी इधर देखिए क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, बैठी है बस। अंजलि चली गई है अपने ताऊ जी के यहाँ पे, पारस अभी सो ही रहा है। अक्षिता से मिलवाता हूँ आपको, पापा जी इधर बाल सेट कर रहे हैं वॉशरूम में। और ये फ्रेंड देखिए अक्षिता सो रही है, बिल्कुल धीरे से बोल रहा हूँ, सो जा बेटी सो जा। और दोस्तों इधर पारुल बना रही है सबके लिए चाय, बस गर्म गर्म चाय रेडी हो रही है, तो पीते हैं आप सभी और मैं। और हम लेट हो रहे हैं शॉप के लिए, बस निकलते हैं आगे। वो लोग पारुल और मम्मी जी कंटिन्यू रखेंगी, तो आके मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय। और अब घूम रही है अक्सी अपनी साइकिल पे बैठ के घर में ही, और इसको तो बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, पता नहीं इतनी खांसी क्यों हो गया इसके। अक्सी और अक्सी को मैंने नहा दिया है, और आज पर आया है अक्सी को नाइट सूट, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो रहा था, इसलिए पूरी बाजू का यहीं पर आ दिया इसको, ताकि इसको सर्दी वर्दी ना लगे। नवाई थी, नवा के पूरी बाजू के कपड़े पहनाए हैं इसको, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है अक्सी को, बहुत खांसी बलगम बन रहा, खुल खुल कर हो जा सारे दिन। और अब अक्सी खेल रही है लेट के आराम से, ये देखो खिलौने सारे बेड पे गिर रखे हैं, और ये चेयर भी अपनी कुर्सी सी है बेड पे ही रख रखी, और ये सारे खिलौने भी यहीं पे खिला फैला दिए इसने सारे, लट्टी लट्टी खेल रही बस, कभी कोई सा खिलौना उठाए कभी कोई सा। और अक्सु के ऊपर के दांत दिख रहे दो छिद्दे, इसके दांत मेरे पे गए छिद्दे। अक्सु दांत दिखाओ, अपने दांत दिखाओ, पता अक्सु को तो दिखा रही है, पता नहीं क्या बोल रही, कुछ भी बोलती रहे वह बस, चल खेल ले। हैं क्या कह रही पारुल, कह रही मेरा भी नाम ले, वह सबका नाम ले, वह बोलो अक्सी बोलो कुछ, क्या बोल रही है,
बिल्कुल हाथ इसके गरम हो रहे थे, हथेली तपी पड़ी बिल्कुल, जैसा हाथ लगाया ना एकदम गरम गरम लगे, पता नहीं ठीक ही नहीं रहती, बस बहुत बीमार रह वह। और ये देखो सोई नहीं ना के भी, और यहाँ खेल रही है बालकनी में। अक्षी, अक्षी क्या देख रही है यहाँ पे, गर्मी नहीं हो रही यहाँ? और मम्मी जा रही है अब दूध लेने, और अक्षी खेल रही है, अक्षी मैंने देख रही बच्चों को, अक्षी बोलो बोलो कुछ। और मम्मी दूध ले आई थी, और इधर दूध मैंने गरम कर दिया है, उबाल आ गया है दूध में, और अब बनाऊंगी मैं आलू के पराठे। माँ आलू छील रही है क्योंकि आज मेरा व्रत है सोमवार का, तो सब्जी आलू के पराठे ही बना लूंगी, क्योंकि फिर लहसुन प्याज नहीं गिरता, अच्छी नहीं बनती है सब्जी बिना लहसुन प्याज के। और ब्राह्मणी भी आलू मांग रही है, और इधर अक्षी भी आलू खा रही है। क्या खा रही आलू, क्या खा रही अक्षी, क्या खा रही अक्षी? आलू आओ देख क्या कर दिया, देख सारे मुखे गिर गिर सारे खिंडा दिए, देख ये उठावेगी क्या, तो ठक ठक का खाएगी चाचा मारेगा, कान सुखने लग रहे हैं चाचा। और अब बना रही है मम्मी आलू के पराठे, अक्षी बना दे रही है, तंग कर रही रह नहीं रही। हाँ ये रोए रोए जा रही, पता नहीं क्या हो रहा है इसका, परेशान नहीं, बस बाहर घूमने की रहा है सर टाइम। क्या है ले मम्मी पराठे बना दो पराठे। और ये आलू के परांठे हमारे बनकर तैयार हो गए, और साथ में लिया है मैंने ठंडा दूध, दूध के साथ खाऊंगी। मम्मी अभी व्रत नहीं है, मम्मी को दवाई लेनी पड़ती है, और अब प्लास्टर तो खुल गया लेकिन दवाई अभी भी चलेंगी, एक महीने की और दी है दवाई, तो अभी मम्मी व्रत नहीं रख सकती, मैं ही हूँ अकेली व्रत। और अक्षी के कपड़े चेंज कर दिए थे मैंने, ये कुर्ता परा दिया है ब्लैक वाला, और अक्षी को मैं सुआ रही थी तो ये सो नहीं पाई खांसी की वजह से, अक्षी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, जब भी नींद से आनी शुरू हुआ है जब भी एकदम बहुत खांसी उठ जा, खास खास का बुरा हाल हो रहा है इसका, बहुत बलगम बन रहा, और ये दवाई भी दे रहे हैं पता नहीं फिर भी आराम नहीं लग रहा, गन्नो टाइम सुबह से हम दवाई दे रहे हैं, एक ये वाली और एक हो रहा है, दो दवाई हैं इसकी, तभी ले आए थे इसके पापा जब इसको हुआ था, और जब से दे रही हूँ मैं दवाई, एक ये वाली है और एक ये वाली जो अक्सी ले रही, इन दोनों दवाई दे रही मैं सुबह शाम से, लेकिन आराम नहीं लग रहा, बहुत खांसी हो रही, सो भी नहीं पाती, अभी सुहाने लग रही थी इसको, जब भी नींद से आवे जब भी खांसी उठ जा बहुत तेज, फिर उठ जा बेचारी खांस खांस के। और अब हम अक्षी को नीचे लेके आए हैं इसकी साइकिल में बैठा के, इसको घुमाने के लिए, इधर मम्मी भी हैं साथ में, और पारस भैया इसको लेके चल रहे हैं, और ब्रेक कर जगह जगह है थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही, बस देखो कैसे घूमती है ये, बहुत रोती है घर में तो इसका बिल्कुल मन नहीं लगता, अब भी रोए रोए जा रही थी खांसी की वजह से, सो तो पाए। और अक्षी को थोड़ी दूर चलाया इसमें बैठा गया, और गिर लो इसका ब्रेक निकल गया, ये देखो ये निकल गया इसका ब्रेक, और फिर ये चली नहीं बस कुछ, फिर वो भी रोन लगी रुकते ही, पता नहीं क्या हो रहा है, ये चीज़ इसकी सही सेट नहीं हो रही, ये भी बार बार नीचे जा रहा है,
और ये ब्रेक भी बार बार अपने आप ही निकल जा। इसकी सही सेटिंग करनी पड़ेगी तब जाके ये सही चलेगी। अभी ये सही नहीं चल पा रही क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, अभी ये सही नहीं हो पा रही। तो पारस भैया और मम्मी लेके गए फिर अक्सी को पैदल पैदल घुमाने के लिए, और मैं साइकिल को लेके आई ऊपर। सांस भी चढ़ गया, वजन तो काफ़ी है इसमें, हल्की तो है नहीं, भारी तो बहुत है ये, लेकिन इसमें अभी कोई गड़बड़ है, वो ठीक करनी पड़ेगी तब जाके ये चल पाएगी सही से। और रुके रहे इतनी देर इसे सही करने में तो अक्सी को भी थोड़ा वो हो गया, डर सी गई, मतलब बैठे बैठे अगर चलती रहती तो खुश भी रहती शायद वो, फिर वो इसमें बैठी भी नहीं। अब देखो भैया और मम्मी घुमा रहे हैं, मैं आ रहे हैं उसको लेके। अब इसके पापा ही आके ठीक करेंगे इसको। और बैलून देखो ये हमारे कहाँ लटक रहे तार पे, सारे वो हो गए फुज, इनकी हवा निकल गई और ये लटक गए। और ये देखो क्या कर रही है, कहाँ घूम रही है, बैठ तो सकती नहीं। हम इसे लेके आए थे ना यहाँ पे सड़क पर घुमाने के लिए, और यहाँ बैठ गए हम यहाँ से चौतरे से पे, और ये देखो रुक नहीं रही, थम नहीं रही, एक जगह भागी फिर रही। देखो अब बैठाना तो रो गए। और ये क्या है, आज नई मिक्सी का मुहूर्त ये पारस भैया ने बनाया है, मौसमी का और अनानास का जूस।